हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, ये बहुत ही फेमस, मतलब फेमस इन द सेंस कि कॉमन क्वेश्चन है, ये कई यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ताकि यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाए। देखिए, आपको सीधे सीधे जो प्रोसेस हमने सीखा उसी को करना होगा। देखिए यहाँ पे जो बेस, मतलब जो कोन है ना, अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से क्या होता है फ्रेंड्स, ये इलिप्स है ना, बेस। देखिए इलिप्स दे दिया, इसी तरह से कहीं पे पैराबोला दे देता है, कहीं पे हाइपरबोला दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, बेस आपको दे दिया और यहाँ पे ये मेरा क्या है, जो फिक्स लाइन है ना उसको दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है, पहली चीज इसको समझते हैं, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। मैं ग्रीन कलर किया था ना, तो चलिए इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये देखिए फिक्स लाइन है, ये ध्यान दीजिए, ये फिक्स लाइन है जिसका इक्वेशन जो है आपको दिया हुआ है, एक्स बाई वन दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड बाई थ्री, ठीक है ना। ये आपका फिक्स लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया है, ये माइनस टू है, प्लीज चेक करिए। अब क्या बोल रहा है यहां पे, पहली चीज की एक जनरेटर होगा, ठीक है ना, यही मूव करता है इस तरीके से, प्लीज आप चेक करिएगा। चलिए थोड़ा सा प्रॉपर तो नहीं बन पाया, बट ठीक है, ये चलिए ठीक है, ये सिलेंडर बन गया, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। ये मेरा जनरेटर है, ठीक है ना। ये जो बेस, जो कोनिक है, उस कोनिक का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू जीरो दिया है। जो पूरा प्रोसेस होगा, आपने देखा कि सरफेस पे कोई एक पॉइंट लेंगे, सरफेस पे मतलब ये पॉइंट जो है आपका सिलेंडर के सरफेस पे, मतलब जनरेटर पे लाई करेगा। और ध्यान दीजिए यहां से क्या करेंगे, क्यू जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, और जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से इस क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकाल के, जो ये दिया हुआ है ना बेस इलिप्स, इसी पे रख देंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड को रिप्लेस करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए अब फटाफट सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो सीधे सीधे जो है हम सोल्यूशन के पे आते हैं। तो क्या मैं एज्यूम करूंगा, सबसे पहले लेट लेट पी अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर पे मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया सरफेस पे, ठीक है ना। अब चलिए यहां से मैं आता हूं, नाउ द इक्वेशन ऑफ जनरेटर, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, जनरेटर इज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बाई, ध्यान दीजिए क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके ना, मतलब ये मेरा फिक्स लाइन दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन ये अल्टीमेट देखिए डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, कोसाइंस नहीं है फ्रेंड्स, कोसाइंस होता तो इनका स्क्वायर का सम वन आता, ये डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो दिस वाई माइनस बीटा बाई माइनस टू दिस इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई थ्री, इसको मैं लिख लिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं, द जनरेटर जनरेटर वन इंटरसेक्ट्स द गिवेन कोनिक, द गिवेन बेस लिख देता हूं, बेस एट किस पे, एट देखिए एक्स माइनस अल्फा बाई वन दिस इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई माइनस टू और दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यहां से सीधे सीधे मैं लिख देता हूं जीरो माइनस गामा बाई थ्री, प्लीज चेक करिएगा। और यही से वो पॉइंट जो है क्या आ जाएगा, देखिए सीधे सीधे आप निकालिए अल्फा और यहां से माइनस, ध्यान दीजिएगा गामा बाई थ्री, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बीटा, और ये देखिए माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा टू बाई थ्री गामा, प्लीज चेक करिएगा टू बाई थ्री गामा,
यहां से आएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। और यहां पे जेड कोऑर्डिनेट मेरा जीरो है, तो यहां पे जेड कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, जीरो। ध्यान दीजिए फ्रेंड, कुछ नहीं किया, फर्स्ट रेशियो थर्ड के साथ लिया, तो मेरा इसको सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस गामा बाई थ्री। उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को आप लेंगे, ये थर्ड है, सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करें तो टू गामा बाई थ्री, और इधर जाके बीटा एड हो जाएगा तो बीटा प्लस टू बाई थ्री गामा। प्लीज बताइएगा क्लियर है। बस तो इस पॉइंट पे, अब चूंकि ये पॉइंट जो है गिवेन जो बेस है उस पर लाई करेगा, सो सिंस इसको आप लिख लीजिए टू, तो सिंस क्यू लाइज ऑन गिवेन गिवेन कोनिक ना कोनिक, वी गेट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स, याद रखिए थ्योरी में भी हमने वही किया था। देखिए बस कोनिक के इक्वेशन में जहां जहां एक्स है उस पे ये एक्स कोऑर्डिनेट, जहां वाई है ये वाई कोऑर्डिनेट। तो चलिए बस कुछ नहीं, कोनिक मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस गामा बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, वाई मेरा क्या है बीटा प्लस टू बाई थ्री गामा दिस, और दिस इज इक्वल टू वन दिया है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज आप पूछिएगा, ठीक है ना। अब यहां से आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सिंपली एलसीएम लीजिए, सिंपलीफाई करिए, तो यहां से थ्री एलसीएम आएगा तो क्या होगा, थ्री अल्फा माइनस गामा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, मैं यहां पे कर दिया प्लस, सेम उसी तरीके से टू, और यहां पे देखिए थ्री बीटा प्लस टू गामा इसका होल स्क्वायर अपॉन नाइन दिस इज इक्वल टू वन, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से एलसीएम नाइन है, लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, थ्री अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस टू थ्री बीटा प्लस टू गामा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू नाइन, प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, जो इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए क्या होगा, पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर मतलब थ्री अल्फा का स्क्वायर नाइन अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, तो टू मतलब थ्री टू या सिक्स, तो सिक्स अल्फा गामा, इसको प्लीज आप चेक करिएगा फ्रेंड्स। चलिए टू ब्रैकेट में अब आ जाते हैं, अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो थ्री टू जा सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व बीटा गामा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा दिस इज इक्वल टू नाइन, यहां तक ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, नाइन अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा गामा प्लस इस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 बीटा स्क्वायर प्लस 8 गामा स्क्वायर प्लस 24 बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 9, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए अल्फा स्क्वायर कहीं है नहीं, तो 9 अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर कहीं है नहीं, तो प्लस 18 बीटा स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। प्लस गामा स्क्वायर पे आते हैं, देखिए 8 गामा स्क्वायर यहाँ पे है, एक गामा यहाँ पे है, तो 9 गामा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए माइनस 6 अल्फा गामा, माइनस 6 अल्फा गामा, और कहीं पे है 24 बीटा गामा, और इधर माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0, प्लीज चेक करिएगा। यही आपका इक्वेशन बना, तो अब मैं क्या आऊंगा, सीधे सीधे क्या करूंगा, सो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर इज क्या हो जाएगा, इज सीधे सीधे अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 18 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 6 अल्फा की जगह x, गामा की जगह z, तो एक्स जेड, फिर उसी तरीके से प्लस 24 यहाँ पे वाई जेड माइनस 9,
दिस इज इक्वल टू जीरो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है फ्रेंड्स। अब यहां पे देखेंगे हर जगह थ्री से मैं डिवाइड कर सकता हूं, थ्री से डिवाइड कर दीजिए तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, थ्री से करेंगे प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एट एक्स सॉरी एट वाई जेड माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या ये सही है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इन चीजों को थोड़ा सा चेक करना था और कुछ भी नहीं। देखिए थ्री से डिवाइड किए एक्स जेड आएगा और यहाँ पे एट सही है, वाई जेड आ गया माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। प्लीज चेक करिएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस एट वाई जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आपका रिक्वायर्ड सिलेंडर का इक्वेशन आ गया। अब फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर में भी ऐसे ही देते हैं, MCQs में भी ऐसे देंगे, MCQs वगैरह में या वेरी शॉर्ट आंसर की अगर मैं बात बोलूं, थोड़ा सा इक्वेशन को इजी कर देता है बस, बाकी चीजें तो यही रहेंगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो कितने इजीली आपने किया, जो क्वेश्चन दिया था इसको हमने जो थ्योरी में डिस्कस किया था, देखिए थ्योरी इसीलिए बोलते हैं आपको पढ़ना चाहिए, थ्योरी प्रोसेस से अगर आपको समझ में आता है तो बस उसी को तो रिपीट करना है इक्वेशंस में, थोड़ा इजीली आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब चलिए ये चीजें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, एक होमवर्क देता हूं जिसको आप ट्राई करेंगे, प्लीज चेक करिएगा, एक होमवर्क देता हूं, ये भी किसी यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्या है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, चले फ्रेंड्स तो ये होमवर्क मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, बिल्कुल सिमिलर टाइप का ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, सेम देखिए उसी तरीके से तो लिखा हुआ ना, यहाँ पे भी जनरेटर का इक्वेशन सेम था, एक्स बाई वन वाई अपॉन माइनस टू इक्वल टू जेड बाई थ्री, जनरेटर वही दे दिया। एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स दिस, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ पे देखिए जेड इक्वल टू जीरो था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू थ्री। तो क्या करेंगे, हिंट मैं देता हूं, सोल्यूशन आपका निकालना ड्यूटी है। यहाँ पे जो जनरेटर का इक्वेशन निकालेंगे, सरफेस पे अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट ले लीजिएगा, तो जनरेटर का इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा वाई वन वाई माइनस बीटा अपॉन माइनस टू और जेड माइनस गामा अपॉन थ्री, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जनरेटर का इक्वेशन। अब ये जनरेटर बेस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स माइनस अल्फा बाई वन y माइनस बीटा बाई माइनस टू और ध्यान दीजिए z की जगह आप 3 रखेंगे, याद करिए z की इक्वल टू 3 है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इलिप्स दिया है ना उस प्लेन में है जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना, समझ में आ गया। चलिए सो दिस बाई 3, अब यहां से x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देखिए, ये फर्स्ट रेशियो थर्ड रेशियो को लेके चलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेकेंड रेशियो थर्ड रेशियो को लेके चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है 3, इसका कुछ लेना देना नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा और रख के सिंप्लीफाई करिएगा, फाइनल अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मेरे पास आंसर है मैं बुक से लिख रहा हूं, तो आंसर जो है वो मैं आपको लिख देता हूं, मैच करिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है 3z स्क्वायर प्लस 8yz माइनस 2zx प्लस 6x माइनस 24y माइनस 18z प्लस 24 इक्वल टू जीरो, ये आंसर जो दिया हुआ है बुक में मैंने वो लिखा। आंसर आप मैच करिएगा इस क्वेश्चन को करके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, अगर आंसर आ जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमेशा याद रखिए
आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगी हो एप्रिसिएट जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका इक्वेशन। तो यहां पे देखिए ये भी एक सिलेंडर होता है, जैसा मैंने विजुलाइज करवाया था वीडियो के शुरू में, लास्ट वीडियो में वहां पे भी मैंने आपको बताया था। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर भी एक सिलेंडर ही है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, वो एक सर्टेन कंडीशन के थ्रू मूव करती है, और यहां पे क्या होता है कि जो फिक्स लाइन है ना उससे ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर इस तरीके से मूव करेगी स्पेस में, ध्यान दीजिएगा, सच दैट इससे फिक्स लाइन से इस जनरेटर का डिस्टेंस हमेशा जहां पे भी जाएगा वो फिक्स ही रहेगा, ए रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसा कुछ शेप बनता है। तो यहां पे बेस का इक्वेशन नहीं देगा फ्रेंड्स, तो यहां पे बेस का कुछ लेना देना ही नहीं है, बस ये स्ट्रेट लाइन दी होगी जिसको हम यहां पे एक्सिस बोलते हैं, इस फिक्स लाइन को यहां पे राइट सर्कुलर सिलेंडर में, और यहां पे ये जो डिस्टेंस है ना, फिक्स डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। याद करिए 9th-10th में जो भी आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो यही वाला सिलेंडर था, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले थ्योरी करेंगे कि कैसे निकालते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो यहां पे इसके बाद सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।